नमस्कार, मैं आलोक कुमार पूर्णिया बिहार से आज कुछ विशेष बातों को लेकर के आपके सामने आया हूं और बातचीत करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में, इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि आज की जो तारीख है वो भारतीय इतिहास में धर्म के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। आज 14 अक्टूबर है। आज की ही तारीख को 1956 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। कारण ये रहा था कि छुआछूत जैसी असहनीय एवं अपमानजनक प्रथा के कारण दलित वर्ग के लोग जो घृणा के पात्र हो रहे थे। इस कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने न केवल हिंदू धर्म को छोड़ा बल्कि बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों दलितों को महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि में उन्हें इस धर्म को स्वीकार भी कराया। आज इस विषय पर चर्चा करना क्यों जरूरी पड़ गया? और दूसरी बात, यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होता तो क्या होता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल, तो इस आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम भीमराव रामजी सकपाल होता। लेकिन ये सकपाल किस प्रकार से अंबेडकर हो गया, ये जानना हम विद्यार्थी लोगों के लिए और सबों के लिए बेहद जरूरी है। सकपाल उपनाम इसलिए नहीं रहा, इनके पिताजी ने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये महार जाति से आते थे और महार जाति को लोग शूद्र मानते थे, बहुत ही निम्न दृष्टि से देखते थे, छुआछूत जैसी असहनीय स्थिति को झेलना पड़ता था। इनके लिए एक अलग व्यवस्था होती थी जो कि काफ़ी अपमानजनक होती थी। इनके पिताजी ने सोचा कि इस स्थिति से दूर रखा जाए और ये लोग महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला है, रत्नागिरी जिला में आम्बेडवे एक गाँव है, वहाँ के ये लोग निवासी थे। तो इनके पिताजी ने सोचा कि सकपाल उपनाम न रख करके इनका नाम जगह के ही नाम पे रखा जाए और इनका नाम का उपनाम हुआ अंबेडवेकर। अंबेडकर नहीं, अंबेडवेकर। पढ़ाई लिखाई में ये बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इनके एक ब्राह्मण शिक्षक जिनका नाम कृष्णा केशव अंबेडकर था, वो इनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने ही इनको अपना उपनाम दिया। तब से ये भीमराव अंबेडकर अंबेडकर हो गए, जिन्हें हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। आप जब कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर देखेंगे, उनके एक हाथ में आपको एक किताब नजर आएगी। वो किताब वस्तुतः भारतीय संविधान है। हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के निर्माता भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें अपने अधिकारों के बारे में बताता है, साथ ही साथ कर्तव्यों के भी बारे में भी बताता है। व्हाट आर आवर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड व्हाट फंडामेंटल राइट्स वी हैव बीन गिवन, एवरीथिंग इज मेंशनड गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। सारी चीज़ें भारतीय संविधान में दी हुई है और उसी भारतीय संविधान के निर्माता व पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन आज जब कभी भी विशाल बौद्ध धर्म सभा की सभा होती है तो जिस प्रकार से बातों को रखी जाती है वो काफ़ी चिंतनीय है, काफ़ी अपमानजनक है और काफ़ी असहनीय है। अभी आम आदमी पार्टी के एक नेता जिनका नाम राजेंद्र पाल गौतम है, उन्होंने किस प्रकार से एक धर्म सभा में, बौद्ध धर्म सभा में जो बातें दोहराई हिंदू धर्म के बारे में, उनके विरोध के बारे में, उनके बहिष्कार के बारे में, ये निश्चित तौर पे काफ़ी असहनीय है।
आप यदि इस देश में धर्मों के प्रतिशत का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे इस भारतवर्ष में लगभग 80% लोग हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते हैं और बाकी 20% जो बच जाता है उसमें सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस की जाती है, लगभग 15%, और बाकी 5% में आपके क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसीज हो गए, ये सारे धर्म आ गए। 80% कहने का मतलब ये होता है कि हर एक 5 आदमी में से 4 आदमी हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करता है और बाकी जो 1 आदमी बच जाता है वो इस्लाम हो सकता है, वो क्रिश्चियन हो सकते हैं, वो जैन, सिख, बौद्ध, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 4 आदमी के बीच में 1 आदमी उस 4 आदमी के विरोध में उसके धर्म के बारे में बहिष्कार के बारे में करने की हिम्मत कैसे कर पाते हैं? 2 ही बात हो सकती है, या तो वो 1 आदमी बाकी 4 आदमी पर काफी भारी है, या फिर हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करने वाले जो हिंदू हैं, हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करने वाले जो हिंदू हैं वो काफी सहिष्णु हैं, और निश्चित तौर पे ये काफी सहिष्णु हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तभी सभी धर्म के लोग अब आजादी के साथ सभी प्रकार के अपने धार्मिक त्योहारों को भी मना पाते हैं, अपनी धार्मिक बातों को भी रख पाते हैं, धार्मिक बैठकों का भी आयोजन कर पाते हैं, और इस हिंदुस्तान में चैन की नींद ले पाते हैं, सांस ले पाते हैं। आप एक महान हिंदू और समाज सुधारक की बात करेंगे तो आपको एक नाम याद आएगा और वो नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1931 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पतित पावन मंदिर का निर्माण कराया था, और वो मंदिर विशेषतर अछूतों के साथ साथ सभी वर्ग के लोगों के लिए था। सवाल ये है कि हिंदू धर्म सनातनी जो इतना पुराना है, इससे लोग अलग होकर के और अलग अलग धर्मों को क्यों अपना रहे हैं? ये जो बौद्ध धर्म है काफी पुराना धर्म है, राजा बिंबिसार के समय का धर्म है, बिंबिसार, फिर कालाशोक, अशोक, कनिष्क से होते हुए फिर बीच में अचानक से जो है इसका प्रचार प्रसार या फिर धर्म परिवर्तन बिल्कुल बंद हो गया, और आधुनिक भारत की बात करें तो बौद्ध धर्म को फिर से जीवित करने वाले जो व्यक्ति हुए वो वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि में जाकर के आज की ही तारीख को 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों दलितों को, पीड़ितों को बौद्ध धर्म में परिवर्तन भी कराया। हर एक साल दीक्षा भूमि में यानी कि महाराष्ट्र में और अलग अलग जगहों में भी एक विशाल धर्म सम्मेलन होती है, जहां पर हिंदू धर्म के बारे में, उसके बहिष्कार के बारे में बात कही जाती है। इतनी बड़ी बात कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, हम श्री कृष्ण को नहीं मानते, हम श्री राम को नहीं मानते, हम उनकी पूजा आराधना नहीं करते, इतनी बड़ी बात हिंदुस्तान देश में, वहां पर जहां 5 में से 4 व्यक्ति हिंदुइज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सोचिए कि ये देश का सौहार्द किस ओर जा रहा है। मुझे लगता है कि जितने भी हिंदू भाई, जितने भी हिंदू लोग गया जाते हैं तर्पण के लिए, तो सभी लोग महाबोधि बौद्ध टेंपल भी जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, लेकिन इस प्रकार के बात विवाद जो अभी रिसेंट में राजेंद्र पाल गौतम जी ने की है, बौद्धों के लिए हिंदू के दिल में और हिंदुओं के दिल में बौद्धों के लिए कितनी सौहार्द रह पाएगी, आप जरा सोच करके देखिए। ये वही धर्म है जो हमेशा शांति की बात करता है, शांति का संदेश देता है, और उस धर्म को मानने वाले लोग इस प्रकार से सांप्रदायिक तनाव लाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति, ये धर्म परिवर्तन, लोगों का विचार किस ओर जा रहा है कहना बहुत मुश्किल है।
मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं और आप लोगों के साथ इसलिए भी साझा कर रहा हूं, मैं एक शिक्षक हूं। एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं, आज 14 अक्टूबर है, आज की तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि है वहाँ पर, और इनकी जो समाधि है वो मुंबई में है जिसे चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार की वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं और आप लोगों के साझा कर रहा हूं, मेरा मकसद इतना ही है। लेकिन साथ ही साथ इस प्रकार जो धार्मिक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है इससे बचने की भी जरूरत है। सत्य क्या है, सही क्या है, इसका ज्ञान भी जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं रोकता हूं। मेरे से यदि कुछ गलतियां हुई हैं तो क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।